समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर लोक बंधु राज नारायण जी की 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जिला अध्यक्ष जयवीर यादव जी ने कहा कि श्री राज नारायण जी ने अकेले निर्बाध शासन चला रही कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में अहम भूमिका निभाई थी। जहां भी अन्याय होते हुए देखा वहां वह विरोध में खड़े हो जाते थे। डॉक्टर लोहिया जी के नेतृत्व में उन्होंने समाजवादी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। कार्यक्रम के उपरांत स्वर्गीय राज नारायण जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने संकल्प लिया कि स्वर्गीय राज नारायण जी के पद चिन्हों पर चलकर काम करेंगे और सन 2022 में इस पाखंडी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद जिला अध्यक्ष जयवीर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अथर हुसैन अंसारी, जिला उपाध्यक्ष नरेश शर्मा, विजयवीर सिंह यादव, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश सैनी, फरासत हुसैन गामा, मनोज यादव, राजेश्वर यादव, प्रेम बाबू वाल्मीकि, कुलदीप यादव, ओमवीर सिंह सैनी, नवरतन सिंह, नानू यादव, दीपक बिश्नोई, लुकमान खान, जहीर आलम अंसारी, अजीम अहमद, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद मुरादाबाद में लोक बंधु राज नारायण जी की पुण्यतिथि हम लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मना रहे हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथी यहाँ मौजूद हैं। तो आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हमने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रखा है। श्री राज नारायण जी का बहुत आंदोलन उन्होंने करे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के उस पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी बहुत काम करा है राज नारायण जी के साथ में। तो आज सब समाजवादी पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ लीडर साथी सब समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कराएं। जिला अध्यक्ष जी, जब इंदिरा गांधी की आंधी चल रही थी तो राज नारायण जी उनके सामने आए थे और उन्हें परास्त कर दिया था। आज मोदी की आंधी चल रही है, इस हवाले से आप क्या अपील करना चाहेंगे समाजवादी? देखिए, उस समय जब इंदिरा गांधी जी की आंधी चल रही थी तो राज नारायण जी ने परास्त करा था। आज अगर मोदी जी की आंधी चल रही है तो इस समय अखिलेश यादव जी की आंधी चल रही है और अखिलेश यादव जी करेंगे और उत्तर प्रदेश के देश के अंदर समाजवादी पार्टी